हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आरएसआर स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं आपके लिए संस्कृत का वीवीआई क्वेश्चन का पहला सेट लेकर आया हूं, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर उसका जवाब दीजिएगा और लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि आप लोग 20 प्रश्नों से कितना सही किए। तो चलिए अब अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? ए कालिदास, बी वाल्मीकि, सी वेदव्यास या डी तुलसीदास। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेदव्यास। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाता है? ए आत्मा, बी जल, सी परमात्मा या डी हवा। तो इसका सही आंसर होगा जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परमात्मा। क्वेश्चन नंबर थ्री है दोस्तों, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? ऑप्शन ए जल, बी स्वरूप, सी गति या डी नाम। तो आपको बता दें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नाम। क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? ऑप्शन ए धन, बी इंद्रिय, सी मन या डी आत्मा। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इंद्रिय। पांचवा क्वेश्चन है, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? ऑप्शन ए परमात्मा, बी मोक्ष, सी मोहमाया या डी धन। तो आपको बता दें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मोक्ष। छठा नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? ऑप्शन ए पुराण, बी दर्शन, सी ईश्वर या डी आत्मा। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उपनिषद दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। सात नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पटना का पुराना नाम क्या था? ए पुष्पपुर, बी पटना साहिब, सी पटना या डी पर्वतपुर। तो आपको बता दें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पटना का पुराना नाम पुष्पपुर था। आठ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? ऑप्शन ए छठ, बी दुर्गा पूजा, सी बसंत पंचमी या डी गणेश पूजा। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, दुर्गा पूजा। क्वेश्चन नंबर नौ है दोस्तों, निम्नलिखित में से राजशेखर की रचना कौन सी है? ए काव्य मीमांसा, बी कुटनिम्मत, सी मुद्रा राक्षस या डी यात्रा संस्मरण। तो आपको बताया दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, काव्य मीमांसा। तो दस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र या ऑप्शन डी गया। तो आपको बता दे कि पृथ्वी का तिलक पाटलिपुत्र को कहा गया है, जिसका अभी नया नाम पटना है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी पटना, सी पाटलीग्राम या डी पुष्पपुर। तो आपको बता दें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पाटलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, निम्नलिखित में से योग सूत्र के रचनाकार कौन है? ए पाणिनि, बी पतंजलि, सी वर रुचि या डी भाष। तो आपको बता दे दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, कुटनिम्मतम काव्य के कवि कौन हैं? ए राजशेखर, बी दामोदर गुप्त, सी कालिदास, डी विशाख दत्त। तो आपको बताया दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दामोदर गुप्त। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी मध्यकाल, सी गुप्तकाल, डी वर्तमान काल। तो आपको बता दें, इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, गुप्तकाल। गुप्तकाल को ही उत्कर्ष काल माना जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आलस्य का बहाना बनाता है? ए मित्र, बी धूर्त, सी शत्रु या डी योगी पुरुष। तो आपको इसका सही आंसर बताया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका सही आंसर धूर्त। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? ए मंत्री, बी राजा, सी प्रथम पुरुष या डी नियोगी पुरुष। तो आपको बताया दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नियोगी पुरुष। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? ए गुण निराकरण का, बी दर्शन का, सी दोष निराकरण का या डी सत्य का। तो आपको बता दें, इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, दोष निराकरण का शिक्षा देती है पुरुष परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, बीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? ए भोजन,
बी विद्या, सी पैसा या डी कलम। तो आपको बता दें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भोजन। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, स्थिति सौकर मूला धावंती जंतव कहाँ से लिया गया है। तो इसमें चार ऑप्शन है आपके पास, ए पंचतंत्र, बी पुरुष परीक्षा, सी नीति श्लोक, डी शास्त्रकार। इसका सही आंसर बताया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, पुरुष परीक्षा। ये जो लाइन ऊपर आपको दिख रहा है पंक्ति, ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है। तो आखिरी क्वेश्चन है सेट का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा था। ए द्वितीय पुरुष, बी तृतीय पुरुष, सी प्रथम पुरुष या डी चतुर्थ पुरुष। तो आपको बता दें इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, तृतीय पुरुष। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी चैप्टर या किसी भी सब्जेक्ट में कोई परेशानी हो या कोई दिक्कत आए तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में उससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं और हम जल्द ही उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आने की कोशिश करेंगे। हम आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।